केबीसी की तरफ से अब 25 लाख रुपए के वजेता बन चुके हैं। पासबुक पता नहीं कहाँ पड़ी है, लड़का बच्चा सब फेंक दिए होंगे पासबुक। सुनिए ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम तो मजदूर आदमी है, अभी तो घर ही नहीं पहुँचे यार। बोलता है किसी से बताना नहीं, दिल की खुशी दिल में रखना। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, हमारी लॉटरी लगी है जी। कौन से नंबर पे लॉटरी लगी है? ये नंबर में हमारे दो ठो नंबर है, आपका बताए कौन वाले में लगी। एक में अभी मैसेज आया। ठीक है, वो दूसरे नंबर से आप कॉल करें जिस पे लॉटरी लगी है। लॉटरी इस नंबर पे नहीं लगी है, दूसरे नंबर से आप कॉल करें। ठीक है, क्या नंबर इसका? हेलो। हाँ भैया, इस वाले नंबर पे आई थी जी। जी बिल्कुल, इस नंबर से फिर आप कॉल करें सर, आप दूसरे नंबर से कॉल। नहीं तो हम दूसरे वाले में से इसलिए कर लिए हैं क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग नंबर अलग अलग मोबाइल में है हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ मुंबई अराफर से, केबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ, लॉटरी मैनेजर। अरे वाह, आप मुझे अपना शुभ नाम बोलो, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आशीष कुमार। लॉटरी नंबर आपका? लॉटरी नंबर देखना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट इसी में है। आप भेजे तो लॉटरी नंबर, आप ही भूल गए यार, कहाँ गया? 1 2 3। अरे मैंने थोड़ी सेंड किया, बात अच्छे तरीके से करनी है, करें वरना कॉल बंद करें। अरे सॉरी सर, मैं दे रहा हूँ सर, 1 मिनट इसी में तो आया है, अभी तो आया है। कहाँ गया ये वाला? हाँ ये आ गया, आ गया। हाँ नोट करिए भैया। जी जी बोलिए। 8991। जी बिल्कुल राइट है, 8991 जो आपका लॉटरी नंबर है, केबीसी अडाफर्स में सिलेक्ट है। केबीसी की तरफ से आपने लाख रुपए का इनाम विन कर लिया है। केबीसी की तरफ से आप 25 लाख रुपए के विजेता बन चुके हैं। अच्छा। आप और आपकी कौन से बैंक से लॉटरी का पैसा लेना चाहते हैं? आपका कौन से बैंक में खाता नंबर अवेलेबल है? हमारा तो एक्सिस में है भैया, एक्सिस में। एक्सिस में आपका खुद का खाता या फैमिली में किसी का है? नहीं, हमारा हमारा एक्सिस में है, एक्सिस में। फिर अभी आप ऐसा करें, जी जी ठीक है, आप ऐसा करें सर, अपने बैंक का पासबुक का फोटो और आप अपने आधार कार्ड का फोटो मुझे इसी व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं आपकी फाइल पे लगाकर आपकी फाइल ओपन एक्टिवेट करूंगा। 36 ऑपरेटर यानी कि 36 ऑफिसर अभी आपकी फाइलों के ऊपर काम करेंगे, आपका चेक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको कल की डेट में आपके एक्सिस बैंक से लॉटरी का पैसा कैश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले एक बात का लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात सुने आप। जी जी, इससे पहले देखें सर, एक बात का ध्यान रखना है, कंपनी की तरफ से आपको हदायतनामा दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, पब्लिक सिटी शबाजी से आपने सर बिल्कुल प्रेस करना है, अपने मन की खुशी आपने अपने मन में रखनी है, जब तक आप अपना 25 लाख रूपए अपने हाथ में नहीं कर लेते। अच्छा अच्छा, मतलब बताना नहीं तो अभी अभी घर में भी ना बताएं, कहीं भाई पत्नी लोग बता देंगे किसी। नहीं नहीं, आप चाहे नहीं नहीं, आप पूरे इंडिया में बता दें, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। नहीं तो लोग क्या है कि मांगने लगेंगे ना कि तुमको पैसा मिल गया तो हमको भी दे दो, बोलने लगेंगे सभी। सही बात बोल रहे हो जी, जी ये बात है। हाँ ठीक है बिल्कुल, अभी आप ऐसा करो, अपने बैंक का पासबुक का फोटो और आधार कार्ड का फोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, सेंड करके 5 मिनट में कॉल करो। ठीक है, अरे 5 मिनट भैया सुनिए ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम तो मजदूर आदमी है, अभी तो घर ही नहीं पहुँचे यार। ठीक है, 10 मिनट में सेंड करते हैं सर आप। भैया 12 किलोमीटर घर है, सुनिए ना, सुनिए। हेलो जी जी बोलिए। हमारा अभी 12 किलोमीटर घर है, हम अभी यहाँ आए हैं, मजदूरी चल रही है, नवरात्रि चल रही है ना, नवरात्रि चल रही है तो अभी यही है, रामलीला का भी टेंट वगैरह बनाए हम, अब यहाँ से निकलेंगे तो साइकिल से निकलेंगे भैया, 12-13 किलोमीटर है, जंगल में घर, जंगल टाइप का है थोड़ा। ठीक है, जब आपको, अरे ठीक है, जब टाइम मिले आप सेंड कर दीजिए। चलिए मैं चल के ढूंढता हूँ, और अकाउंट नंबर भर देने में नहीं बन जाएगी बात? पासबुक पता नहीं कहाँ पड़ी है, लड़का बच्चा सब फेंक दिए होंगे पासबुक वगैरह, देख हम लोग कब निकालते नहीं है। उसके बगैर, अरे मेरे भाई उसके बगैर काम नहीं होगा, आप सेंड करें पासबुक तो बैंक देखना पड़ेगा, पासबुक कभी वो करते नहीं अपन। ठीक है, मैं समझ गया, प्यारा लगता है, प्यारा अभी फोन करेगा, प्यारा जो है अभी समझ भी जाता है, तो ऐसे लोगों से बचना है। ये सब इसलिए सुना दिया आप आपको कि सतर्क रहें, सावधान रहें, और केबीसी के चक्कर में आपका एबीसी सब चुरा ले जाएगा वो, तो इनके चक्कर में ना पड़े। इसी तरह का मैसेज मैं देख रहा हूं, करीबन सालों से देख रहा हूँ, इस तरह का आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फंस भी जाते हैं,
लोग इस पे फंस भी जाते हैं। अब देखते हैं इसको, अगर अगली बार फिर से फोन करेगा तो वैसे मुझे तो लग रहा है कि वो समझ गया है, पर आप समझे कि नहीं ये इम्पोर्टेंट। तो अगर आप समझ गए हैं तो इसको प्रसारित करिए, इसको शेयर करिए और सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। इस तरह के जो मैसेज आते हैं, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के मैसेज आएंगे कौन बनेगा करोड़पति का, ये लोगो लगा देगा और एक रिकॉर्डेड मैसेज रहेगा। नमस्कार सर, ये फ्रॉड है, इस बात का ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज के जमाने में भी ये लोग चूंकि कर रहे हैं, इतनी जागरूकता, इतने वीडियो, इतनी सारी चीजों के बावजूद लोग इनमें फंस जाते हैं। उसने एक बात कही बीच में, क्यों बोलता है किसी से बताना नहीं, दिल की खुशी दिल में रखना। तो दिल की खुशी दिल में रखने के चक्कर में आप घर में जो बचा होगा वो भी ये छीन छान लेगा। अभी इनका अगला प्रोसेस क्या है वो अपन कल करेंगे। अभी इसको मैं एक फर्जी पासबुक और अकाउंट नंबर के साथ में दे भी दूंगा अगर, तो ये पहचान जाएगा। ओरिजिनल अपन दे नहीं सकते, देना नहीं है, यही तो शिक्षा दे रहा हूँ। ओरिजिनल किसी को नहीं देना है, ना आपको एटीएम कार्ड का पिन बताना है, ना आपको एटीएम कार्ड की फोटो भेजनी है, ना आपको अपना पासबुक भेजना है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें, जागरूक रहें और इस मैसेज को फैला दें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।